हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। अब गाइस हम सभी लोग बचपन से ही बेन 10 को देखते आ रहे हैं, और जब बचपन में हमने बेन 10 1000 एपिसोड देखा था उसके बाद तो हमारे मन में कई सारे सवाल आए, जिससे आखिरकार बेन को फ्यूचर में बेन 10 1000 क्यों बुलाते हैं, एंड ऐसे ही कई सारे और सवाल हमारे मन में आए। एंड देन आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सवालों में से एक सवाल का आंसर जानने वाले है, और ये सवाल है कि आखिरकार बेन ने अपना नाम बदल कर बेन 10 1000 क्यों रख लिया। अब यहाँ पर कई सारे लोग कहेंगे कि बेन के पास जब 10 एलियंस थे तब वो अपने आप को बेन 10 बुलाता था, और जब उसके पास 10,000 एलियंस हुए तब वो अपने आप को बेन 10,000 बुलाने लगा। तो ऐसा नहीं है, मतलब कि ये हाफ राइट है और हाफ रॉन्ग है। अब जो बेन 10,000 है उसमें जो 10,000 है वो असलियत में उसके एलियंस ही है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात फैंडम कह रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि बेन 10 के नेम में जो 10 है वो उसके एलियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा नहीं है। असलियत में जो बेन का रियल नेम है वो है बेंजामिन कर्बी टेनिसन, जिसमें कि बेंजामिन और टेनिसन को शॉर्ट में बेन 10 बोलते हैं। इसीलिए बेन 10 की सीरीज में कई बार बेन को बेन 10 या फिर बेन टेनिसन बुलाया गया है। अब यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार बेन को बेन 10 क्यों बुलाते हैं। लेकिन अभी भी तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि आखिरकार जो बेन है उसने फ्यूचर में अपने नेम को बदल कर बेन 10,000 क्यों रख लिया। ये बात तो हमें पता चल गई कि बेन के नेम के आगे जो 10,000 है वो असलियत में उसके एलियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आखिरकार बेन ने अपने नेम को क्यों चेंज किया, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। एंड आज की ये वीडियो एक थियरी वीडियो है, तो अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि फ्यूचर में काफ़ी बड़ी वार हुई थी जिसमें कि बेन ने, प्लमस ने और बेन की पूरी टीम ने हिस्सा लिया था। लेकिन इस वार के बाद अचानक से बेन ने खुद को बेन 10,000 बुलाना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि इस वार के बाद बेन ने खुद को निकनेम दे दिया बेन 10,000। लेकिन आखिरकार इस वार में ऐसा क्या हुआ कि बेन ने खुद को बेन 10,000 बुलाना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ से मेरी थियरी स्टार्ट होती है। अब मेरी थियरी के अकॉर्डिंग इस वॉर में होता ये है कि एक ऐसा मोमेंट आ जाता है जब बेन जो है वो अपनी टीम ओप्लमस से अलग हो जाता है, और जिन एनिमीज के साथ वॉर चल रही होती है इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो बेन के ऊपर अटैक कर देते हैं, और यहाँ पर बेन जो है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा आराम से हरा ही रहा होता है कि तभी बेन की जो ऑमनेटिक से वो रिचार्ज मोड पर चली जाती है, और यहाँ पर जो बेन है उससे यहाँ पर जो एनिमीज है वो मारने ही वाले होते हैं। और इस मोमेंट में बेन सोचने लगता है कि अब ये उसका अंत है, और बेन अपने पास्ट को रिकॉल करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से बेन की जो ऑमनेटिक्स है उसका फेल से फीचर ऑन हो जाता है, और यहाँ पर बेन जो है वो रैंडमली एलियंस में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और लकीली उस समय बेन के पास 10,000 एलियंस अनलॉक हो चुके होते हैं, और इसीलिए बेन जो है वो रैंडमली 10,000 एलियंस में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो विलन्स है उन्हें काफ़ी ज़्यादा आराम से बेन रैंडमली एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर डिफीट कर देता है। और जब वॉर ख़त्म हो जाती है तब बेन काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर सोचता है कि बेन जो है वो कभी अकेला नहीं था। बेन हमेशा खुद को अकेला समझता था लेकिन वो कभी अकेला नहीं था, उसके साथ हमेशा उसके 10,000 एलियंस थे, और इसीलिए वो अपने नेम के आगे 10,000 लगा देता है। और बेन जो है वो अपने 10,000 एलियंस को रिस्पेक्ट देते हुए अपने नेम के आगे 10,000 लगा लेता है, और साथ ही साथ में एक बेल्ट भी बनाता है जिसके ऊपर वो 10K लिखता है, और इस बेल्ट को आगे चलकर बेन जो है वो पहनता भी है। एंड देन ये सिर्फ और सिर्फ एक थियरी है, वैसे थियरी कम स्टोरी ज़्यादा लग रही है, लेकिन फिर भी बस ये एक थियरी है। एंड तुम्हें ये थियरी कितनी राइट लगी और कितनी रॉन्ग लगी कमेंट में बता देना। एंड तुम्हारा बेन 10 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है कमेंट कर देना, मैं बेन 10 से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर अब वीडियो बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ, इसीलिए जो भी क्वेश्चन है कमेंट कर देना। एंड देन वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, आज के इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 1K लाइक का, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।